इंदौर जिले के बेटमा में आगामी त्यौहार गणेश उत्सव, मोहर्रम और डोल ग्यारस को देखते हुए नगर सुरक्षा समिति की एक बैठक स्थानीय थाना परिसर में हुई, जिसमें पुलिस की व्यवस्था और इंतजाम के साथ अन्य तैयारियों के बारे में चर्चा की गई। साथ ही सभी त्योहारों को सौहार्दपूर्वक और भाईचारे के साथ मनाने की बात की गई। इस अवसर पर देपालपुर विधायक विशाल जगदीश पटेल, एसडीओ भी सहित नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मीटिंग का कार्यक्रम रखा था, जिसमें आते हुए जो त्यौहार है, हिंदुओं का त्यौहार जो आने वाला है, गणेश जी का ग्यारस भी आने वाली है और विश्व विसर्जन का प्रोग्राम, साथ ही इसमें मोहर्रम का प्रोग्राम भी एक मुस्लिम समुदाय का आने वाला है। एक का एक योग संयोग से ऐसा है कि दोनों एक ही दिन आने की ऐसी उम्मीद लग रही है। अगर आज चांद नहीं दिखता है तो निश्चित तौर पर दोनों में आगे पीछे अगर हो सकते हो ईश्वर की लीला रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों साथ में आ रहे हैं। इसीलिए शांति समिति की मीटिंग रखी थी और संपूर्ण गांव में जो पिछले वर्ष जो कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो घटनाएं आई है उसको आपस में शेयर किया है, उस चीज की घटनाओं को दूर करेंगे प्रशासन। प्रशासन ने जिस प्रकार से पिछले वर्ष भी बहुत सराहनीय काम किया था, बहुत व्यवस्थित स्वरूप के रूप से ये ढोल ग्यारस और मोहर्रम का जो दोनों कार्यक्रम व्यवस्थित करे थे, निकले थे बिना विघ्न, इसी प्रकार से उस वर्ष भी निकलेंगे, इसी में काम करेंगे। अभी आने वाले सप्ताह में हमारे दोनों त्यौहार एक साथ में आ रहे हैं। हिंदू समुदाय के जो है गणेश स्थापना होने वाली है 2 सितंबर से, और मुस्लिम समुदाय का जो है आज यदि चांद दिखता है तो 31 तारीख से ही मुहर्रम का पर्व चालू हो रहा है। दोनों त्यौहार चूंकि साथ साथ में आ गए हैं और उसको लेकर के आज स्थानीय थाने में हमने शांति समिति की और यहाँ के गणमान्य नागरिकों की बेटमा की हमने मीटिंग बुलाई थी। दोनों तरफ के जो त्यौहार मनाने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको भी बुलाया था और शांति समिति की मीटिंग के जो सदस्य हैं उनको भी बुलाया है। हमने उनकी समग्र चर्चा की है, हमने उनको क्या नहीं करना है इस संबंध में बताया है, क्या सावधानियाँ रखी जानी है ये बताया है, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे निराकृत कर सकते हैं वो हमने सुना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों त्यौहार, दोनों पक्ष के लोग हिल मिल करके शांतिपूर्ण तरीके से, परंपरागत तरीके से मनाएंगे, ऐसा उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है। और पुलिस जैसा कि सदा रहती है, पुलिस दोनों संप्रदाय के त्यौहारों में हम रहेंगे और हमारी तरफ से पूरी फुल व्यवस्था रहेगी और किसी प्रकार की कोई घटना न हो ये सुनिश्चित किया जाएगा। जी सर, जुलूस आज शांति समिति की मीटिंग और उपस्थिति उनके हम सहन नहीं करेंगे। जी किसी भी अखाड़े का, चाहे वो उस्ताद हो चाहे खलीफा हो, कोई भी व्यक्ति धारदार हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा और बाकी जो लाठी है या उनके जो बिना उसके जो खेलने वाले जो हथियार वो हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, उनका प्रदर्शन करे, उनसे खेले, धारदार हथियार कोई अलाउ नहीं किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।